Nurturing excellence. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस। मैं बता दूं, चार पेपर के जो सॉरी जो चार क्लासेस मैंने प्रीवियस ईयर की पहले ले चुका हूं, और अब ले रहा हूं मैं फिफ्थ क्लास ऑफ आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जीके सेक्शन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ लेक्चर ऑफ आरएमएस प्रीवियस ईयर पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, व्हिच इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। क्वेश्चन क्या है कि पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में वो कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी बताया नीलगिरी है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन क्या था, जो ये क्वेश्चन था, सॉरी, जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन जीके का। ठीक है, अब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन से कुछ टाइप्स बनाएंगे, क्या पता आपके बार एग्जाम में यहीं से आ जाए। तो देखो, द फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था, तो फर्स्ट नेशनल पार्क है हेली। ठीक है, हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम बाद में चेंज करके क्या कर दिया था, जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया, उसके बाद में भी कुछ टाइम बाद पहले इसका नाम कर दिया राम गंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में। ठीक है, ओके, अब देखो आसाम के अंदर जो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसके जो वन हॉर्न राइनोसोरस है ना, वन हॉर्न राइनोसोरस, ये यहाँ के बहुत ज्यादा फेमस है, यहीं पे मिलते हैं पूरे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट है आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, अब अगला मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क का है, मानस नेशनल पार्क का भी क्या जाएगा, आसाम। ठीक है, अगला बांदीपुर नेशनल पार्क। तो बांदीपुर नेशनल पार्क का है बताओ, तो बांदीपुर नेशनल पार्क आ जाएगा कर्नाटक। ठीक है, देन अगला है नागरहोल नेशनल पार्क, ये भी सेम प्लेस है कर्नाटक। ठीक है, हो गया फर्स्ट नेशनल पार्क का कौन सा है, रामगंगा, जिसका पहले नाम क्या था, फर्स्ट हेली। फिर आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, वो कहाँ है, आसाम में, इसका वन हॉर्न डायनो मिलता है यहाँ पे। ठीक है, देन मानस नेशनल पार्क, उसका वो कहाँ है, आसाम में। देन बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक। ठीक है, चलो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 प्लेड बिटवीन इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, नेम द लोकेशन वेयर इट वॉज प्लेड। क्वेश्चन क्या है, जो वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 खेला गया था, कहाँ, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, वो कौन सी जगह पे हुआ था, उसका लोकेशन बताओ। तो देखो, अगर आप पता हो तो वो जो वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप 2019 वो हुआ था, उसका वेन्यू था इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है, इंग्लैंड एंड वेल्स के अंदर हुआ था, मतलब इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। देखो, जो वानखेड़े हैं, वानखेड़े तो कहाँ है, मुंबई में है, मुंबई तो इंडिया में आ गया, मुंबई तो नहीं होगा। ठीक है, अब बचे तीन, इन तीनों से आपको बता दूं, ये हुआ था लॉर्ड्स के अंदर। ठीक है, लॉर्ड्स बहुत ही पुराना मैदान माना जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था, लॉर्ड्स के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो है, तो देखो, नेक्स्ट ओलंपिक शेड्यूल टू बी हेल्ड एट, जो नेक्स्ट ओलंपिक होंगे वो कहाँ शेड्यूल किए गए हैं, कहाँ होंगे, तो वो होंगे कहाँ, वो होंगे पेरिस में। ठीक है, नेक्स्ट, इन 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप शेड्यूल टू बी हेल्ड एट, जो 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वो कौन सी जगह पे खेला जाएगा, तो वो खेला जाएगा हमारे भारत में, हमारे इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट ओलंपिक हेल्ड, जो लास्ट ओलंपिक हुआ था अभी पहले प्रीवियस वाला, वो कहाँ हुआ, तो वो हुआ टोक्यो। ठीक है, नेक्स्ट,
फीफा 2022 इज ऑन गोइंग एट, जो फीफा 2022 है वो कहाँ चल रहा है अभी? तो वो चल रहा है, उसका वेन्यू है कतर, ठीक है, फीफा 2022 का। अब देखो हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है दुबई के अंदर, और दुबई का क्या है? दुबई यूएई, ठीक है। तो चलो दो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द प्लेस फ्रॉम वेयर चंद्रयान सेकंड वाज लॉन्च्ड, कौन सा? चंद्रयान सेकंड, क्या बताना है? प्लेस बताना है, कौन से प्लेस से चंद्रयान सेकंड को लॉन्च किया गया था? तो बेंगलुरु, बालासोर, श्रीहरिकोटा, चेन्नई, कहां से किया गया था बताओ? क्या गया था? श्रीहरिकोटा, ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखो सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, तो सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये है श्री हरिकोटा के अंदर, ठीक है, श्रीहरिकोटा में ये है, ठीक है, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर। अब देखो डीआरडीओ ये सिचुएटेड है, डीआरडीओ कहाँ है? डीआरडीओ है दिल्ली में, ठीक है। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है बेंगलुरु, ठीक है, हो गया ठीक है सारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द ऑथर ऑफ द बुक मटिल्डा, मटिल्डा बुक का ऑथर का नाम क्या था? तो वो थे रोवाल्ड डहल, ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखो नीचे ऑथर ऑफ गूगल, सॉरी ऑथर ऑफ जंगल बुक के ऑथर कौन है? तो जंगल बुक के ऑथर का नाम है रुडयार्ड किपलिंग, पता है ना सभी को रुडयार्ड किपलिंग, किस किसने पढ़ी है जंगल बुक? हाँ वो मोगली वाली, ठीक है, शेर खान वाली पढ़ी है ना सभी ने। हाँ तो क्या है इसका राइट ऑथर कौन थे? रुडयार्ड किपलिंग। अब देखो ऑथर ऑफ गीता रहस्य, गीता रहस्य के ऑथर कौन है? गीता रहस्य के ऑथर है लाल, सॉरी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कौन है? गीता रहस्य के ऑथर, ठीक है। अब देखो हु रोट माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किसने लिखी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ? तो ये लिखी मोहनदास करमचंद गांधी ने, तो एम के गांधी, ठीक है, गांधी जी ने लिखी थी। अब क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ आई एम एथिस्ट, एथिस्ट का ऑथर कौन थे? तो वो थे भगत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान के ऑथर, ट्रेन टू पाकिस्तान के ऑथर थे खुशवंत सिंह, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो देखो व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सेवंथ एंड फाइनल बुक इन द हैरी पॉटर सीरीज ऑफ जेके रोलिंग, जेके रोलिंग की जो ये सीरीज थी हैरी पॉटर, इसका जो सेवंथ टाइटल था, सेवंथ सॉरी सेवंथ बुक थी, मतलब कि फाइनल जो बुक थी उसका टाइटल क्या था? उसका टाइटल क्या था? द डेथली हेलोज, ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखो नीचे, सॉरी यहाँ पे प्ले आएगा PLAY, ठीक है। हु प्ले द रोल ऑफ गांधी इन गांधी मूवी, जो गांधी मूवी है, जो गांधी मूवी बनी थी उसके अंदर गांधी जी का रोल किसने किया था? तो उनका रोल किया था किसने, किसने किया था बताओ, पता है क्या? देखो किसने किया था बता देता हूँ मैं, ये नहीं है, उनको किया था बैन किंग्सले ने, ठीक है, बैन किंग्सले ने क्या किया था? गांधी जी का रोल किया था उस गांधी मूवी के अंदर, ओके। देन हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, कौन थे बताओ? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, भानु आथिया हु वॉन ऑस्कर फॉर कॉस्ट्यूम डिजाइन, भानु आथिया कौन थी? भानु आथिया थी एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर, इन्होंने क्या जीता? ऑस्कर अवार्ड जीता, किसके कारण? गांधी मूवी के अंदर कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो देखो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द टू रीजन्स ऑफ इंडिया हु हैव अटेन्ड द स्टेटस ऑफ यूटी
आफ्टर द अबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, जो आर्टिकल 370 35A था उसको किसने अबोलिश करके यूटी का स्टेटस अटेन किया है? तो कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन जो है ये है करंट अफेयर्स का, ठीक है। जब ये पेपर हुआ था उस टाइम पे ये करंट अफेयर्स था, ये करंट अफेयर चल रहा था, ये क्वेश्चन आ गया था। देख लो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन मेजरली जो क्वेश्चन आने हैं करंट अफेयर्स में वो बहुत ज्यादा डीपली डिस्कस हुए हुए ही आते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा आपके न्यूज में आ रहे हैं, जो आपके बहुत न्यूज़पेपर में चल रहा है ना, वही क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में आना है, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, रिसेंटली टू यूनियन टेरिटरीज मर्ज्ड बाय गवर्नमेंट, जो दो यूनियन टेरिटरीज थी जिनको गवर्नमेंट क्या किया, मर्ज कर दिया, तो वो कौन सी थी? तो वो थी दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव को क्या एक कर दिया और एक ही के अंदर इन टेरिटरी में इनको मर्ज कर दिया। नेक्स्ट, न्यूली एस्टेब्लिश्ड स्टेट, यहाँ ई नहीं आएगा। तो न्यूली एस्टेब्लिश्ड स्टेट, जो न्यूली स्टेट एस्टेब्लिश्ड, उसको क्या नाम है, उसका नाम क्या है बताओ, कहाँ हुआ था? तेलंगाना था, ठीक है। पहले क्या होता था? पहले होता था ये आंध्र प्रदेश का एक पार्ट, ठीक है। उसके बाद में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर लिया और ये अलग हो गया, ठीक है। अब देखो न्यूली फॉर्मड हाई कोर्ट, तो ये स्टेट ने कहा बना, तेलंगाना में। तो तेलंगाना के अंदर फिर बाद में क्या हुआ, जो हाई कोर्ट बना, तो हाई कोर्ट कहाँ बना? हाई कोर्ट बना अमरावती। क्यों? क्योंकि जो तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल हुआ करता था क्या, हैदराबाद, वहां पे जो कोर्ट था हाई कोर्ट वो तो चला गया तेलंगाना में। देन आंध्र प्रदेश ने अपना नया स्टेट जो हाई कोर्ट बनाया वो कहाँ बनाया, अमरावती में, ठीक है, अमरावती हाई कोर्ट बना दिया। देन अंडमान एंड निकोबार फॉल इन द ज्यूरिस्डिक्शन, इन द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट, जो अंडमान एंड निकोबार है वो कौन से ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर हाई कोर्ट में आता है? वो कहाँ आता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये आता है कहाँ, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता के हाई कोर्ट के अंदर आता है। देन नाउ हु इज द हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, किसका, स्टेट गवर्नमेंट का, वो होता है चीफ मिनिस्टर। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाए हु इज द हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, नहीं आ रहा उसमें, तो क्या आ जाएगा, गवर्नर। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, तो वो होता है कौन, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? तो देखो जो ये क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर्स का है फिर से, ठीक है, जो हम पेपर कर रहे हैं उस टाइम के लिए करंट अफेयर्स था, अभी के लिए करंट अफेयर्स नहीं है, तो अपन इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ये कोई भी रिलेवेंस का नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो अपन ये नहीं करेंगे, आपको सिर्फ कंफ्यूजन ही होना है इस क्वेश्चन से, दैट्स व्हाई हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो ध्यान दो नीचे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आ गए हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, इंडिया के चीफ जस्टिस कौन है बताओ, अभी थोड़े दिन पहले चेंज हुए थे, कौन है बताओ यार, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, उदय उमेश ललित, ठीक है, उदय उदय उमेश ललित इंडिया के चीफ जस्टिस है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला इज द लोक स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भाई? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। देन हु इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन है? तो वो है वाइस प्रेसिडेंट। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, हमेशा
राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होगा वो वाइस प्रेसिडेंट ही होंगे, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, अभी रिसेंटली चेंज हुए जो, कौन है, मतलब अभी थोड़ी दिन पहले अपॉइंटेड हुए, जिनका क्या नाम है, अनिल चौहान। पहले कौन थे, जनरल बिपिन रावत थे, ठीक है, जिनकी डेथ हो गई थी कब, दिसंबर, कब हुई थी डेथ, दिसंबर 2021 में की डेथ हुई थी। इसके बाद में अनिल चौहान को अभी अक्टूबर के अंदर क्या किया है, अपॉइंट किया है एज न्यू सीडीएस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ओके, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजॉन फॉरेस्ट द लंग्स ऑफ द अर्थ, द लंग्स ऑफ द अर्थ जो क्या है, अमेजॉन फॉरेस्ट वॉज रिसेंटली अंडर फायर, वो क्या था, फायर के अंदर था, तो फायर से उसमें आग लगी थी। तो द मेजर पोर्शन ऑफ दिस फॉरेस्ट फॉल्स इन विच कंट्री, जो मेजर पोर्शन है इस फॉरेस्ट का वो कहाँ है, वो है ब्राजील में, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन इट वाज अ यू नो इट वाज अवर प्रीवियस ये क्वेश्चन। नाउ अब जो क्वेश्चन हमने बनाया है इससे वो देखो, व्हाट इज इक्विटोरियल फॉरेस्ट, इक्विटोरियल फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो इक्वेटर रीजन के अंदर होते हैं, ठीक है। इक्वेटर रीजन में जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें क्या होता है, डेली रेन होती है, ठीक है, रोज बारिश होती है जो इक्वेटर रीजन के जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें, ठीक है। अब देखो, प्रेरीज आर फाउंड इन, जो प्रेरीज है वो कहाँ मिलते हैं, मतलब जो प्रेरीज है वो कहाँ है, तो प्रेरीज क्या है बताओ, प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट है पंपास ग्रासलैंड आर इन, तो पंपास ग्रासलैंड है अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना में कहाँ, अर्जेंटीना कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है भाई, तो वो है सुंदर बन डेल्टा, ठीक है। वेयर इज सुंदरबन डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड है कहाँ, सुंदरबन डेल्टा सिचुएटेड है कोलकाता, सॉरी दैट इज वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड कहाँ, वेस्ट बंगाल एंड बांग्ला देश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो कहाँ होंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट हम मिलेंगे आपको सुंदरबन डेल्टा में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हेडक्वार्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक का क्या हेडक्वार्टर है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है मुंबई में, ठीक है, ऑप्शन बी। नाउ हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। अब देखो हेडक्वार्टर ऑफ इसरो कहाँ है, बेंगलुरु में, ठीक है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ये सिचुएटेड है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ सिचुएटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड है दिल्ली में, ठीक है। अब देखो वेयर इज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कहाँ है, तो पार्लियामेंट भी कहाँ है, दिल्ली में ही। नाउ हेडक्वार्टर इंटरनेशनल सोलर, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है गुरुग्राम में, और गुरुग्राम कहाँ है, वो है हरियाणा में, ठीक है। अब देखो हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है काठमांडू में, ठीक है, काठमांडू में क्या है, हेडक्वार्टर है सार्क का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन वुमन शटलर टू विन अ मेडल एट अ वर्ल्ड चैंपियनशिप, फर्स्ट इंडियन वुमन शटलर कौन है जिसने क्या किया, मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला, तो वो है पीवी सिंधु, ऑप्शन ए। क्वेश्चन देखो हमारे, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू विन स्पोर्ट्स खेल रत्न,
क्या है, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है जिसने क्या जीता, स्पोर्ट्स खेल रत्न जीता, तो वो कौन है, पीवी सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू विन भारत, सॉरी ये पीवी सिंधु नहीं आएगा, सॉरी सॉरी ये आएगा फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू विन स्पोर्ट्स खेल रत्न, वो है विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद द ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस। ओके, अब क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू विन भारत रत्न, तो पहला भारत रत्न किसने जीता, वो जीता सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और पहला खेल रत्न किसने जीता, विश्वनाथ आनंद ने, पहला भारत रत्न किसने जीता, सचिन तेंदुलकर ने। ठीक है, अब फर्स्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, पहला इंडियन टीम का कैप्टन कौन था, वो था सीके नायडू। ठीक है, अब हॉकी का स्पेलिंग HOCKEY, हॉकी का जादूगर, तो हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को क्या बोलते हैं, हॉकी का जादूगर। अब देखो फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख कौन है भाई, फ्लाइंग सिख है मिल्खा सिंह, कौन है फ्लाइंग सिख। अब देखो गॉड ऑफ क्रिकेट किसे बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, अब देखो तो थैंक यू, आज की सीरीज होती है पूरी, एक पेपर बना पूरा हो गया, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, जय हिंद। For free study material, join our Telegram channel. For more updates and continuous learning, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video. Sainik School and Military Schools offline and online courses are available at minimal cost.